लिखी हुई है, सुई घूम रही है आप पे। अरे नकल का सरगना, उस हाकम का हाकिम कौन है? आज उत्तराखंड के लोग उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं और सरकार उसमें विफल साबित हुई है। मुझे कहते हुए संकोच, माननीय दीक्षा जी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2000 से आज तिथि तक 98 परीक्षाएं आहूत की गई और आपके सामने कि 12/3/2023 को पटवारी और लेखपाल की जो भर्तियां आहूत की गई उसमें व्यापक स्तर पर नकल हुई। पहले तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में नकल हो रही थी और अब स्थिति यह हो गई कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको हम ये समझते थे कि वो फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत परीक्षाओं को संचालित कराने का काम करेगा, वहां पर जो है लेखपाल और पटवारी भर्ती भी जो है उसका परीक्षा पत्र भी जो है लीक हो जाता है। तो हम अब कैसे यकीन कर लें, हम अब कैसे भरोसा कर लें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो 98 परीक्षाएं पूर्व में की गई हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से हुई है। हम कैसे यकीन कर लें कि उन परीक्षाओं में नकल नहीं हुई, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई। प्रीतम जी, अध्यक्ष जी, कहीं से कुछ जलने की दुआ रही है। प्रीतम जी का दिल तो नहीं जल रहा, लेकिन आ रही है कहीं से। नहीं, ये असली में आ रही है, वास्तव में आ रही है। आ रही है, हाँ, बहक आ रही है, स्मेल है जलने की, बहुत ज्यादा स्मेल है। हाँ, आ तो रही है, ज्यादा स्मेल है, आ रही है स्मेल ना। आवाज में इतनी सत्यता थी कि वायर भी जल गए। देखो इसको चेक करो भाई, यही चेक कर ले। माननीय अध्यक्ष जी, आयोग पर भी इसलिए बात उठती है क्योंकि आयोग में लेखपाल भर्तियों में जो नकल हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके तहत आयोग में जो अनुभाग अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई और वो अनुभाग अधिकारी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। सरकार तो चाहती है मैं सुन रही सही तथ्य जो है सदन के अंदर ना आए। आप बोलिए प्लीज। इसलिए कहकर सत्यता थी, उसमें आग लग गई है, सुरक्षा की चिंता, प्रदेश में भी आग लगी हुई है, सरकार का आरोप लगा रहे। आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा आयोग में पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती हुई उसका पेपर लीक हो जाता है और जो पेपर लीक होता है, जो उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें आयोग में जो अनुभाग अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी होती है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, वो अनुभाग अधिकारी 7/5/2004 से आयोग में कार्यरत थे। 2005 से जो व्यक्ति आयोग में कार्यरत है वो 12/2/2023 को जो लेखपाल की भर्ती होती है उसमें संलिप्त पाया जाता है। अब जो अनुभाग अधिकारी इस परीक्षा में नकल कराने में जो है संलिप्त पाया जाता है, तो इससे पूर्व जो आयोग द्वारा जो है 98 परीक्षाएं की कराई गई है उस पर हम ये कैसे मान ले कि इसमें नकल नहीं हुई? इसलिए तो कह रहे हैं हम कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और गजब स्थिति क्या है, जब पटवारी और लेखपाल में परीक्षा लीक हुई तो उसके बाद आयोग के लोगों ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नकल नहीं हो पाएगी, हम चार सेट बनाएंगे। ये कहा था, हम चार सेट बनाएंगे और फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब परीक्षा हुई एक ही सेट सर्कुलेट किया गया। क्यों क्यों? और ये हमने नहीं कहा, ये तो आयोग के, अगर मैं आप कहेंगे, क्योंकि सदन के अंदर जो है समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है,
तो इसलिए मैं इसको सिर्फ मात्र दिखा रहा हूं। कहा है इसमें कि हम इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। तो आज उत्तराखंड यूकेएसएससी और आयोग दोनों ही जो है शंका की दृष्टि में है। दोनों ही आयोगों की जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, और इसलिए दोनों ही आयोगों द्वारा जो परीक्षाएं की गई है, हमारा कहना है उन तमाम परीक्षाओं की जो है सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय लूंगा, ये तो अजीबोगरीब स्थिति इस प्रदेश की, दुर्भाग्य इस प्रदेश का। इस प्रदेश के अंदर भर्तियों में अनियमितताएं लगातार होती आ रही, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है, नियमावलियों को धत्ता बताया जा रहा है, और शैक्षिक योग्यता को भी धत्ता बताया जा रहा है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, किसी भी पद पर अगर कोई भर्ती होती है तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, लेकिन आठवीं पास व्यक्ति सहायक कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हो जाए, दसवीं पास व्यक्ति सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हो जाता, नौकरी मिल जाती है। तदर्थ और नियमितता खेल करके जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर नौकरियों में बंदर बांट हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखंड का नौजवान उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए नौजवान साथिया सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। सरकार से कह रहा है यदि प्रदेश के अंदर अनियमित तरीके से भर्तियां होंगी, नकल का बोलबाला होगा और भ्रष्टाचार होगा तो नौजवान साथी सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा, और अगर पुलिस बल के माध्यम से नौजवान साथियों को रोका जाएगा तो इस युद्ध में कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, चेतावनी।